Hello dear student, in this lecture video we discuss about oxidation number which comes from the redox reaction. Oxidation number very important topic है कि oxidation number किसी compound में किसी element का कैसे calculate करते हैं. तो आइए हम लोग इसमें discuss करते हैं और सीखते हैं कि oxidation number कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है. तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इट इज इक्वल टू इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एलिमेंट व्हेन All shared electrons are given to more electronegative element in a covalent compound. एक imaginary charge develop होता है जब shared electrons किसको दे दिए जाते हैं, more electronegative element को. तो जो charge develop होगा particular compound पे molecule पे वो क्या होगा, वही चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होगा. जैसे एग्जाम्पल है एच सी एल इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बोथ एटम एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. दैट इज द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड विल बी द कोवेलेंट कंपाउंड. तो हियर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन हाइड्रोजन. सो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इफ गिवेन टू द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, प्लस वन, और इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी माइनस वन. जितना इस पे जो इमेजिनरी चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगी. यदि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल किसको दे दिया जाए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, तो जो चार्ज डेवलप होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी. तो इस तरीके से आप समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है. लेकिन जैसे हम, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड का है, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में तो आयन्स ही होते हैं. जैसे एन ए सी एल है तो एन ए सी एल में क्या होता है, एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस. तो ये ऑलरेडी हम इसके बीच में प्लस साइन नहीं लगाते हैं, इसके बॉन्ड में बीच में बॉन्डिंग भी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. एन ए सी एल तो एन ए सी एल पे एन ए पे पॉजिटिव चार्ज है, वन सी एल पे वन नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी प्लस वन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी माइनस वन. तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है. इमेजिनरी चार्ज ऑन द एटम, इमेजिनरी चार्ज या टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. आयनिक कंपाउंड में आयन को आयनाइज करा देंगे, दो चार्ज आएंगे वहीं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी.
अब हम चलते हैं रूल की ओर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल हैं। रूल फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू द टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सम सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज के इस कंपाउंड पे कितना है, जीरो है, तो इक्वल टू द जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे SO4 माइनस टू माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस फोर इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना चार्ज है, माइनस टू है। जैसे अमोनियम आयन का देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना चार्ज कंपाउंड पे है, प्लस वन का, तो प्लस वन। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। जैसे हमको ये कार्बन का निकालना होता तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन की जगह पे हम क्या रख देते, एक्स, क्या रख देते, एक्स, जिसका हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसकी जगह पे एक्स रख देंगे। और जिनका पता है उनको रख करके मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे, तो उस कंपाउंड का जिसका एक्स आप रखे हैं, जो अननोन है, जिसका नहीं पता है, उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। अब रूल टू, टू है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स फाउंड इन प्योर स्टेट इन द नेचर, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट्स नेचर में फाउंड, एलिमेंट में प्योर स्टेट में फाउंड होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट फाउंड इन प्योर स्टेट इन द नेचर, their oxidation number always equal to the oxidation number is always equal to the zero। example में जैसे H2 है, Cl2 है, F2 है, O2 है, N2 है, S8 है, P4 है, इन सब की they are homoatomic molecule, same atom से मिलकर बने हुए हैं, तो
तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रखना है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो लेना है। यदि और जैसे हैं एलिमेंट जो प्योर स्टेट में, जैसे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्युमिनियम सॉलिड, कॉपर सॉलिड, टिन सॉलिड, इन जो एलिमेंट्स हैं जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑलवेज क्या रखनी है, जीरो। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो रखनी है। लेकिन यदि यहीं पे ये ही एक कंपाउंड फॉर्म में है, जैसे ये सोडियम है, सोडियम कंपाउंड फॉर्म में है, तब इसके जीरो नहीं होगी। तब ये सोडियम कंपाउंड फॉर्म में है, अगर ये प्योर फॉर्म में है तभी, एलिमेंटल फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है तभी, अगर ये कंपाउंड फॉर्म हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होगी, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होगी। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होगी। रूल थर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज टेकन एज प्लस वन। जो एल्कली मेटल हैं, जैसे हीलियम, जैसे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आपको लेनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आपको प्लस वन लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s1 होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, प्लस वन हो जाती है। इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लेनी है, प्लस वन लेनी है। ये कंपाउंड फॉर्म में, या जैसे मैं कह दूँ लिथियम सॉलिड है, तो इसका जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। यदि यहीं लिख दूँ LiCl, तो लिथियम क्लोराइड का, तब इस स्टेट में आपको लिथियम का क्या लेना है, प्लस वन। कंपाउंड फॉर्म में यदि यही कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे तो उनका क्या लेना है, प्लस वन। प्योर एलिमेंटल फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगी। फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होती है, प्लस टू होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी प्लस टू। मतलब इनको आपको, जैसे अगर मैग्नीशियम सॉलिड है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर यहीं पे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लेंगे, प्लस टू। मैग्नीशियम की कंपाउंड फॉर्म में है इसलिए प्लस टू लेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस। जो आयंस पे जो चार्ज प्रेजेंट होंगे उसे वहीं क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cl- है, ये मोनोएटॉमिक आयन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1। जैसे Mg2+ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। जैसे H2- है,
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? माइनस टू। जैसे जैसे कैल्शियम टू प्लस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस टू। और जैसे एच प्लस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस वन। तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? जो चार्ज प्रेजेंट होगा उस पर वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज ऑलवेज टेकन एज माइनस वन। क्योंकि जैसे कोई हाइड्रोजन है, आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से जो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे कि कौन फ्लोरीन अपनी ओर ले लेगा, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? माइनस वन। जैसे है ओ एफ टू में ऑक्सीजन की हमेशा क्या लेंगे? माइनस वन। लेकिन एफ टू की क्या लेंगे? एफ टू की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है एफ टू, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? जीरो। सिक्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली टेकन एज ऑक्सीजन जनरली टेकन एज माइनस टू। जैसे है Mg+MgO, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या लेंगे? माइनस टू। जैसे यहाँ पे होंगे जैसे सोडियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे इसकी क्या लेंगे? माइनस टू। H2O है, यहाँ पे इसकी क्या लेंगे? माइनस टू। और इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? जैसे OF2 अभी लिखा था, OF2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, जिसकी आपको फ्लोरीन की हमेशा माइनस वन लेनी है, तो फ्लोरीन की यहाँ पे जनरली है, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसमें, तो फ्लोरीन की माइनस वन हो जाएगी, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? प्लस टू। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का नहीं पता, मानिए एक्स प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू जीरो, टोटल चार्ज क्या है? जीरो है, जीरो लिख दीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आप फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेनी है? एक्स प्लस टू इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस टू। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज क्या है? प्लस टू चार्ज है, इसलिए इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? प्लस टू हो जाएगी। अभी जनरलाइज करके जो हम लोग लिखे थे, जनरलाइज क्या होती है? जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? माइनस टू होती है। लेकिन इस डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की क्या हो गई? डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू। दूसरा है पेरोक्साइड, सेकेंड एक्सेप्शन है पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड क्या होते हैं? जैसे O2 2- होते हैं, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की यदि इसमें आयनाइज होने पे O2 2- में आए तो पेरोक्साइड होगा। जैसे H2O2 पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगी। जैसे H2O2 Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की क्या लेंगे? माइनस वन, पेरोक्साइड में माइनस वन लेंगे। थर्ड है सुपर ऑक्साइड का क्या होता है? O2-। सुपर ऑक्साइड का क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी माइनस हाफ, इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? माइनस हाफ। जैसे KO2 पोटेशियम का एल्कली मेटल का आपको लेना है प्लस वन, इसका नहीं पता प्लस वन, देखिए ध्यान से इसे KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम का हमें पता है, ऑक्सीजन का नहीं पता है, तो प्लस वन प्लस
एक्स कितना हो जाएगा, 2x, एक्स नहीं पता तो 2x हो जाएगा इक्वल टू द जीरो, 2x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। तो क्या लेना है, सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेनी है, माइनस हाफ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 7 नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जनरली टेकन एज, टेकन एज प्लस वन। जैसे एग्जांपल है H2O, H2O में हाइड्रोजन के क्या लेंगे, प्लस वन लेंगे। जैसे H2S है, हाइड्रोजन के क्या लेंगे, प्लस वन लेंगे। एक्सेप्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड में क्या होगी, मेटालिक हाइड्राइड में माइनस वन होती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड है, एल्कली मेटल है लिथियम, लिथियम का क्या होगा, प्लस वन, इसकी क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो मेटालिक हाइड्राइड में जैसे Mg H2 है, तो मेटालिक हाइड्राइड में क्या लेना है, माइनस वन, हाइड्रोजन का क्या लेना है, माइनस वन। तो ये रूल हो गए सारे, ये सारे रूल हो गए। जैसे हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे कि किस रूल से हम लोग डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सारे रूल कवर हो गए। ये रूल को आप लोग याद करना है, याद करने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिस कराते हैं एग्जांपल्स, क्वेश्चन है H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, X, और प्लस ऑक्सीडेशन कितना है, 4 है, तो 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज इस कंपाउंड पे क्या है, 0। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्लस वन, और प्लस वन 2 है, प्लस एक्स, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 2, एक्स इक्वल टू प्लस 6। इसका मतलब सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस 6 है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस 6 है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में क्या है, H2SO4 में यहाँ पे प्लस 1, इसकी माइनस 2 और इसकी प्लस 6 है। जैसे HClO4, इस क्लोरीन का निकालना है, नहीं पता तो लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक्स प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0 है। तो अब ऑक्सीजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का प्लस 1, प्लस 1 प्लस एक्स और माइनस 2 इसका होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 7। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसकी माइनस 2 है, इसकी प्लस 1 है। जैसे है PO4 माइनस, PO4 3 माइनस में फास्फोरस की निकालना है, PO4 3 माइनस में फास्फोरस की निकालना है, जिसकी निकालना है एक्स मान लीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस 2, माइनस 2 कितना है, 4 है, इक्वल टू कितना चार्ज है, माइनस 3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 5 प्लस 5, तो इसका मतलब फास्फोरस पे कितना चार्ज है, प्लस 5 का, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, प्लस 5 होगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपको सारे कंपाउंड के आप ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4
एफ ई सी एन सिक्स, सी एन सिक्स इस कंपाउंड में एफ ई का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम का हमें पता है 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस एक्स नहीं पता, साइनाइड का माइनस वन होता है तो प्लस माइनस वन प्लस सिक्स इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एन इक्वल टू जीरो टोटल चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम क्या है, 4 इंटू प्लस वन प्लस एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस टू, सिक्स इंटू माइनस टू और माइनस वन होता है, साइनाइड का माइनस वन होता है इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है, प्लस टू पे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।